सवाल होगा कि लिहाज से है कि मुहर्रम में कौन किए जाने वाले काम कौन से जायज़ और कौन से नाजायज़। देखिए मुहर्रम के मुतालिक उसकी फजीलत पता होना चाहिए हमको कि अशहरुल हराम में से एक महीना है और यानी ये हराम महीना, इसमें जंगजीदा लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, उसकी तज़ीम करना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुहर्रम का जो रोज़ा है फ़र्ज रोज़ों के बाद सबसे अहम रोज़ा है। और बुखारी की हदीस है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो देखा वहाँ पर यहूद आशूरा का रोज़ा रखते हैं यानी मुहर्रम की 10 तारीख का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह जानी तो यहूदियों ने बताया कि क्योंकि इस दिन मुहर्रम की 10 तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को नजात मिली थी फिरौन से, तो उस खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो मूसा के ज़्यादा करीबी हैं तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम लोग आशूरा का रोज़ा रखेंगे, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो उस पर एक दिन और बढ़वा लूँगा, यानी अगर आशूरा का रोज़ा रखना है तो 9 तारीख का रोज़ा भी रखें, ठीक है। तो एक नहीं दो मुकियों की मुखालिफत के लिए, तो आशूरा का रोज़ा 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। एक हदीस में कहीं ये भी मिलता है कि 9-10 ना सही तो 10-11 रोज़ा रखना चाहिए, तो उसकी एक ये फजीलत है। तो ये तो मतलब फजीलत की बात है, तो ये करने वाली चीज़ है, जायज़ नहीं मुस्तहब चीज़ है, लेकिन आई डोंट नो देयर आर मेनी थिंग्स क्या कुछ और होता है उसके अलावा, जितनी चीज़ें होती हैं वो सब बिदात है, जुलूस निकालना, नौहा खानी करना, मातम करना और खिचड़े की डेग चढ़ाना, मलीदार शरबत और ना जाने क्या क्या, और बहुत सारे अलग निकालना और शोर शराबा करना, ये सारी चीज़ें बिदअत हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कहा है, जो कि सही मुस्लिम और सुनन नसाई की हदीस है, कुल मुहदसतिन बिदअह, दीन में हर नई बात बिदअत है, वकुल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, वकुल दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम। तो इस मुहर्रम में अदर देन फास्टिंग और उसे शहरुल हराम मानने के अलावा और जितनी चीज़ें हैं जो हमने मेंशन की, ये सारी बिदात हैं जो कि जायज़ नहीं है और बिदात करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। तो ये चीज़ें हैं मुहर्रम में, हम आप ध्यान दीजिए कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा।